प्रत्येक नारी के कई किरदार होते हैं और उसे हर रोज इन किरदारों को बड़ी शिद्दत के साथ निभाना कितना मुश्किल है ये सभी जानते हैं। लेकिन रियल लाइफ के इन रोल्स को जीते हुए कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जो इससे अलग खुद अपने दम पर खड़ी हुई हैं। ऐसी नारियां जो अपने टैलेंट को इंडिपेंडेंटली दुनिया के सामने रखती हैं वो एंटरप्रेन्योर कहलाती हैं। और इन वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए मुंबई में रखा गया एक एग्जीबिशन, इस एग्जीबिशन की चीफ गेस्ट बनी बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश के अलावा इवेंट में आई वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी और सिंगर सोनू निगम। इवेंट पर सबसे पहले इन स्टार्स ने वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ कैंडल लाइटिंग की, जिसके बाद ऐश ने पूरा एग्जीबिशन भी देखा। सोनू ने इस खास इवेंट पर वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए गाना भी सुनाया। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण, अपने तू सोचेगा, माँ है कभी तू बेटी, प्रेमिका है कभी पत्नी बहन सी, प्रेमिका है कभी पत्नी बहन सी, जाने जब तुझे क्यों पूछेगा, धन्य धन्य नारी और कोई सुवर्ण। वेल, जहां ऐश्वर्या राय वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज कर रही थी, तो वहीं मुंबई में ही कियारा आडवाणी भी एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची। फुटवेयर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी कियारा इस इवेंट पर स्पॉटी लुक में नजर आईं। वेल, कियारा खुद फिटनेस फ्रीक हैं, घंटों जिम में पसीना बहाती हैं। ऐसे में किसी कैजुअल फुटवेयर के साथ एसोसिएट होने पर कियारा की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी को कियारा बखूबी निभा रही हैं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यू नो आई थिंक बीइंग एसोसिएटेड विद एनी ब्रांड इज एडिंग टू योर ओन पर्सनालिटी। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं पर्सनली भी उस ब्रांड को यूज करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। इट्स समथिंग दैट आई पर्सनली यू नो वुड बाय। और जैसे आज स्केचर्स के लिए हम यहाँ पे आए हैं, स्केचर्स इज अ ब्रांड दैट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट शू ब्रांड्स दैट आई एवर aspired to buy, and I wanted to buy my first pair of shoes. It was Skechers, my first pair of sneakers. Or Skechers apne walking shoes ke liye, they're the leading brand in you know, in the category of walking shoes. Aur unke shoes stylish bhi hai, comfortable bhi hai. So for me, I look for stuff like that when I'm buying sneakers. वहीं अगर बात करें कियारा के फिल्मी सफर की, तो अब तक कियारा ने 4 फिल्में की हैं, जिनके लिए कियारा को काफी अप्रिसिएशन भी मिला, जिसे देखकर कियारा बेहद खुश हैं। It's been a very exciting journey. This year has especially been extremely, extremely motivating with the films that I've done, that I've released and done super well. And I'm looking forward to this coming year because I've got a lot in store. I'm excited to shoot my new films and share it with the audience very soon. नेटफ्लिक्स की लव स्टोरीज में कियारा को काफी सराहा गया, जिसके बाद उनके पास एक के बाद एक कई ऑफर्स हैं। बॉलीवुड के साथ साथ साउथ में कियारा की काफी डिमांड है। गुड न्यूज इज माय नेक्स्ट हिंदी फिल्म व्हिच आई एम गोना स्टार्ट शूटिंग फ्रॉम इन दिसंबर। उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे। और साउथ में जैसे आपने कहा, हाँ, देयर इज अ फिल्म विद रामचरण दैट आई एम करंटली शूटिंग फॉर, जो अगले साल रिलीज होगी। वेल, कुछ इस तरह रहा बॉलीवुड डिवास का ये वेडनेसडे, जो कि दोनों के लिए काफी एनर्जेटिक साबित हुआ। मुंबई से मनीषा वतारे के साथ शिल्पा दास की रिपोर्ट, E24।